साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। इन सभी राज्यों में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। नेताओं के आपसी तालमेल और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस आलाकमान ने 28 जून को एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव को सीएम भूपेश बघेल के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में माना जाता है। अब छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की बारी है, जहां 3 जुलाई को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के फैसले के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में भी खलबली मच गई है। पार्टी नेतृत्व सचिन पायलट के बारे में भी बड़ा निर्णय ले सकता है। ऐसे में अशोक गहलोत खेमे में भी बेचैनी छा गई है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत और उनके समर्थकों को सचिन पायलट बिल्कुल नहीं सुहाते। गहलोत समर्थक विधायक, मंत्री और अन्य नेता पायलट के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर चुके हैं। पार्टी हाई कमान अब पायलट के समर्थन में आ गया तो गहलोत समर्थक विधायकों ने पार्टी हाई कमान के खिलाफ बगावत करते हुए इस्तीफे दे दिए थे। अब अगर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो गहलोत समर्थक विधायक एक बार फिर विरोध कर सकते हैं। गहलोत समर्थक कोई भी नेता नहीं चाहता कि पायलट को कोई जिम्मेदारी मिले। अशोक गहलोत के खिलाफ खुली बगावत करने वाले सचिन पायलट अब तक अलग राह चुन लेते, लेकिन पार्टी हाईकमान के इशारों के कारण वे पिछले एक महीने से चुप बैठे हैं। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को उनका हक दिलाने का वादा पहले भी किया, लेकिन समय पर वादा पूरा नहीं होने पर पायलट नाराज हुए। उन्होंने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब हाईकमान ने पायलट को संकेत दे दिया है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में इन दिनों सचिन पायलट शांत बैठे हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को फिर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाया जा सकता है। कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को पार्टी में रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हाईकमान नहीं चाहते कि पायलट कांग्रेस से अलग हो। ऐसा होने पर पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। हालांकि गहलोत समर्थकों का मानना है कि सचिन पायलट के अलग होने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उधर कांग्रेस हाईकमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इस चुनावी साल में हर कदम फूक फूक कर रखते जा रहे हैं। ऐसे में एडजस्ट करने के लिहाज से पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि गहलोत समर्थक पायलट को दी जाने वाली जिम्मेदारी को अपना पाते हैं या नहीं।